जय हिंद। चुनाव की सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही है, इसी बीच हमारी टीम मौजूद है नगर परिषद सिवान के क्षेत्र नवलपुर में जुनानी मेडिकल कॉलेज के सामने, जहां पे हम लोगों से बात करेंगे, उनके विचार जानेंगे और पिछले कार्यकाल में कैसा काम हुआ है, किस प्रकार लोग काम से खुश थे या नाखुश है, पिछले प्रत्याशी कैसा काम कराए, इन सभी मुद्दाओं को लेकर हम आज जनता से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे पीछे जैसे कि आप कैमरा के माध्यम से देख पा रहे होंगे, बहुत सारे यहाँ पे पब्लिक खड़ी है, इनसे हम बात करेंगे कि मुद्दा क्या रहेगा इस बार के चुनाव में और ये जो वार्ड है इस वार्ड में किस प्रकार के काम हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद अब्दुल कादिर। कहाँ रहते हैं? यहीं पर रहते हैं। यहीं पर रहते हैं जी। पिछले 5 साल के जो कार्यकाल रहा है किस प्रकार काम हुआ है सर? कहाँ काम हुआ है थोड़ा देखिएगा, इतना साफ तो रोड दिखाई दे रहा है। आज ना एक महीना के बाद बाहर आ जा रहा है, सब टोटल साफ हो जा रहा है। आज देखिएगा नाला, देखिए आगे चल के देखिए, ऐसे ही गली ढलाता है, वो उधर का गली जाके देखिए, इसी तरह विकास होता है। दूसरे कोई के जमीन में कोई पानी गिराएगा, कोई गिराने देगा? उसका पूरा वहाँ से जहाँ तक स्टार्ट किया है लिया के इधर गिराना चाहिए पानी, तो सब उधर ले जाए गिरा रहा है। और उसके बाद से पूरा नाली जाम हो गया है, चार बार गए लो हम लोग पूरा ही मोहल्ला का, लेकिन एक बार नहीं बोले वो कि हाँ इसका समस्या हम निकालेंगे या नहीं निकालेंगे। नाली कौन साफ करता है? नाली मेस्टर करेगा तुम ना? हाँ मेस्टर आता है सब, लेकिन अब कहाँ आ रहा है सब, खाली झारने आता है सब। आज हई झराएगा तो कल हऊ झराएगा, सब एक कूड़ादान लगा रहता है, इसलिए आजकल करके साफ करता है सब जी। कैमरा दिखाया, कैमरा आने का मतलब है कि सिर्फ नाला लेकर सड़क से लेकर और भी इसके कुछ काम नहीं हुआ है? इसके बाद भी कहाँ काम हुआ है? ना काम नहीं हुआ है एकदम बिल्कुल। क्या लगता है कि इस बार किस प्रत्याशी को आप लोग चुनने वाले हैं? सैयदा खातून को। अच्छा, सैयदा बहुत अच्छा, आप सोच लिए हैं लोग कि अब बदल देना है? आमिर अली सर। नगर परिषद चुनाव की सरगर्मियाँ तेज होती नजर आ रही है जी, ठीक है। सारे प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं जनता के पास, वादा कर रहे हैं कि बड़े बड़े वादा कर रहे हैं कि हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, लेकिन पिछला जो प्रत्याशी था अभी तो वादा किया होगा, कैसा काम करवाया था? कुछ नहीं काम करवाया था, काम करवाया होता तो जनता नकारती ही नहीं जी, जनता उनको नकार चुकी है, जनता अपना प्रत्याशी ढूंढ ली है। जो प्रत्याशी हमारे बीच है, हम लोग को सुख दुख में बगैर प्रत्याशी जीते हुए सब जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के चली है, इसलिए सैयदा बेगम सब पूरा वार्ड की जनता खुश है और सब एकजुट होकर सैयदा बेगम को वोट हम लोग करेंगे। मतलब इस बार आप लोगों ने मूड बना दिया कि उनको जीत? हाँ हाँ, आपकी मूड बन, पूरा जनता का मूड है। जीतने के बाद से काम होगा उनका? हाँ काम होगा, बगैर जीते हुए इतना काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या क्या कराए? किसी गरीब के, किसी फैमिली का कोई बच्चा मर जा रहा है उसमें पैसा दे रहे हैं, किसी लड़की की शादी में पैसा दे रहे हैं, हर गरीब को मदद कर रहे हैं, और सरकारी योजना जब मिलेगा तो और मदद करेंगे। क्या नाम है आपका? अली। आमिर अली। अली कहाँ रहते हैं? यहीं पर, ये वार्ड नंबर 23 रहते हैं। पिछले 5 साल के जो कार्यकाल हुआ है, जो वार्ड ने काम किया है, उस काम से कितना खुश हैं आप? कहाँ रुके हैं लोग नहीं रहा है नाला। अच्छा, इतना लोगों पहले डेट लिख के दिया हुआ है, ये रोड डेट लिख के दिया हुआ है। इस बार किस प्रत्याशी को आप लोग चुनने वाले हैं? अरे भाई अपन आदमी बड़ा ना, अब नाम बताए, नाम नहीं बताए थे। तो क्या लगता है कि जिस इंसान को, जिस प्रत्याशी को आप अपने दिल में बैठाए हैं, हाँ, वो अगर चुनाव जीतता है? काम जरूरी है। हाँ हाँ हाँ, मैं आपका चैनल का नमस्कार, मैं आपके चैनल का नमस्कार और पूरी जनता का नमस्कार। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं, हम एक पहले वार्ड में उठे थे, 23 वोट से मैंने हारा, उसके बाद हमने उठने का चांस नहीं किए थे, जनता ने हमको, पूरा पब्लिक ने, पूरे जनता वार्ड के जनता ने फिर हमको उठाया, जागरूक किया, मैं जनता के साथ फिर खड़े हैं। अब जनता फैसला कर रही है कि भाई आपकी बार आपको जिताएंगे, अब जनता जानती है कि हम अच्छे हैं कि बुरा हैं, वो जनता जानती है, हमको अच्छा ही समझ करके उठाए हैं। अब जनता क्या चाहती है वो जनता के सामने हम खड़े हैं, जनता पूरा विकास के लिए कह रही है, पूरा विकास के लिए तैयार हैं, ठीक है। हर वार्ड की जनता समस्या का उम्मीद लेकर अपने प्रत्याशी को, तो हम पर उम्मीद क्या है, हमारे उम्मीद तो हम, क्या आप उनके उम्मीदों पे खड़ा उतरेंगे? दम उतरेंगे खड़ा, जब जनता हमको खड़ा कर दी है तो जनता को उम्मीदें पर रहेंगे जी, जी। जो जनता चाहेगी वही करेंगे। बिल्कुल, हमेशा से जनता का प्रयास रहता है, जनता भोली भाली है, हमेशा सोचती है कि कोई प्रत्याशी आज भी जीते, आज भी जीते हुए नहीं जीते हुए तो भी जनता का हम प्रयास करते रहते हैं, हर काम में जनता के साथ रहते हैं, दोनों जनता हमको चुनी है, एक चाहिए कि हम इनको बोल्ड आदमी को रखे कि जो मेरे वार्ड का काम कराए, वार्ड का विकास कराए, गरीबों को देखे, इंदिरा आवास दिलवाए,
माने हर काम के लिए हमको रखा गया है कि जनता को हम जहाँ से जहाँ तक होगा हम पहुँचाने का दरियाफ्त करेंगे। आखिरी में क्या कहेंगे अपने वार्ड 23 के जनता से? आखिरी में जनता का हम क्या कहेंगे, जनता खुद कह रही है, हम क्या कहेंगे, जनता तो खुद हमको हल्गामा की हुई है। पार्षद बनते हैं, सौगात क्या दीजिएगा वार्ड के लोगों के लिए? जितना विकास का जितना भी सरकार से मिलेगा योजना हम सब पूरे वार्ड को दे देंगे, हमको पैसा नहीं चाहिए। कार्ड गाड़ी छाप सैयदा बेगम 23 नंबर वार्ड बड़ी तकिया नवलपुर से।